क्या फर्राटे मार रही है। ओए ओए guys, what's up? This is Deepak and welcome to my new vlog. Hope you guys are doing absolutely fine. So guys, मुझे पता है, देख बाइक वाला बीच में घुस रहा है, थोड़ा सा परे कर ले। मुझे पता है कि guys, मेरा पिछले 6-7 दिन से व्लॉग नहीं आया और हो सकता है जब मैं एडिट कर रहा हूँ तो और भी ज्यादा दिन हो चुके हों, क्योंकि आज 7th डे है, तो मे बी 8th और 9th डे ये व्लॉग आएगा। यार आई एम सॉरी, बिकॉज घर में कुछ चल रही थी प्रॉब्लम, घर में नहीं बेसिकली बाहर चल रही थी, देख के रिक्शा है क्या प्रॉब्लम थी, सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा इधर काट ले और थोड़ा परे काट ले, थोड़ा और बस 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 अभी तक काट काट। मैंने कहा यार शो मस्ट गो ऑन, घुमा घुमा पूरी घुमा पूरी घुमा गाड़ी है परे, देख के चल सीधा कर ले, सीधा कर सीधा कर सीधा कर। फिर मैंने सोचा कि भाई व्लॉग तो अब शुरू किए हैं तो व्लॉग तो देख के परे बाइक में रखेगा, ये घर पहुँचे फिर आज उसके बाद व्लॉग की स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, नहीं तो यहीं सारा व्लॉग बन जाएगा। चलो घर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच गए थे किसी ना किसी तरह से, आधे पौने घंटे के अंदर 5 किलोमीटर हमने कर लिए थे और अभी टाइम हो गया है फिलहाल 12:28। अभी बेइज्जती नहीं कर रहा, पीछे से बोल रही बेइज्जती कर रहे हो, एक्चुअली क्या होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अभी आधा घंटा लगा है, फिर 15 मिनट लगेंगे, लेकिन टाइम आएगा धीरे धीरे, तो भाई हर कोई सीख के तो नहीं आता ना, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका टाइम कम होता जाएगा। अभी फिलहाल कुछ ही दिन हुए हैं आज, तो वैसे भी लर्निंग लाइसेंस बनवाने हम गए थे, तो लर्निंग लाइसेंस ईश्वर की कृपा से बन गया है और जल्दी ही लाइसेंस भी बनेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे टाइम लिमिट कम भी होती जाएगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ। और अभी का सीन ये है कि 12:30 और हैं और मैं निकल रहा हूँ घर से, और आपको थोड़ी पंखे की आवाज़ आ रही होगी, पंखे की आवाज़ बंद हो गई है, थोड़ी गर्मी सहन कर लेंगे लेकिन आपको डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अभी फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ बाइक और बाइक पे चलते हैं। मैंने आपको बताया तो नहीं कहाँ जाना है, तो भाई आश्रम जाना है, आश्रम में है जोरान ऑफिस, जो हमारा बैंक है उसका कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। दिन की शुरुआत तो वैसे हो चुकी है, तो वेलकम टू अनदर डे इन माई लाइफ। लाइफ चल रही हो ना स्मूथली और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाए तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन नेगेटिविटी मेरे को चैनल पे नहीं फैलानी, इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया भाई। तो निकालते हैं बाइक और अब आपको मिलते हैं सीधा बाइक पे मोटो व्लॉग करते हुए। जय माता दी, जय मां के बिहारी लाल। अभी फिर प्रोग्राम चेंज हो गया है, अभी का फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अभी अपने गांधीनगर ब्रांच, जो बैंक हमने दिया हुआ रेंट पे, अभी तक उन्होंने रेंट नहीं डाला और 6 तारीख की ईएमआई है, मतलब परसों मेरी ईएमआई कटनी है, तो पहले मैं जा रहा हूँ बैंक, उसके बाद जाऊँगा सिस्टर के घर, कज़न सिस्टर रहती है मेरी आजादपुर मंडी के पास, और उसके बाद मैं जाऊँगा आश्रम, आश्रम में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग मेरी, वहाँ से फिर फ्री होंगे और उसके बाद वापसी आएंगे घर। आगे जैसे जैसे शूट होता जाएगा आपको पता लगता जाएगा। नमस्कार सर, और क्या हाल है? भाई भरत जी नहीं आए? भरत जी नहीं आए? अच्छा, क्या हाल है सी सर? A little longer than a few minutes later. जा रहा हूँ जोनल ऑफिस। नहीं नहीं पहले उतार लूंगा। चल रहे हैं भाई, रेंट इन्होंने मना कर दिया अभी डालने से फिलहाल, भी मैं चल रहा हूँ जोनल ऑफिस, जहाँ बात करते हैं कि भैया रेंट डलवा दीजिए। लेट्स गो। तो पहले चलेंगे सिस्टर के घर, वहाँ से फिर निकलेंगे जोनल ऑफिस के लिए। अभी बज रहा है 1:30 और गर्मी पड़ रही है दबा के, क्या कर सकते हैं भाई। अभी यमुना के ब्रिज पे हूँ और हीट बाइक की भी निकल रही है इंजन की, और वैसे भी गर्मी, लू चल रही है लू, और अभी अप्रैल है, अप्रैल या 4th अप्रैल है, बताओ कल लो बात, इतनी गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी है भीषण, और कई जगह तो अलर्ट भी जारी हो गया है, दिल्ली के अंदर नहीं कह रहा इंडिया के अंदर। इस टाइम तो भाई अपना कोई मकान हो हिल स्टेशन पर, वहाँ जाके रह जाओ 2-3 महीने, ख़त्म। मरकट वाले बाबा का मंदिर आ गया है,
तो सभी जने हाथ जोड़ लो, जय हो मरगट वाले बाबा। प्लानिंग करता है आदमी फ्यूचर के हिसाब से कि कैसे कैसे प्लान चलना है, बट ईश्वर को कुछ और मंजूर है। और ये नया मॉडल है बलिनो का, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है देखने में। बड़ी बड़ी गाड़ी लग रही थी बलिनो अभी फ़िलहाल, और मुझे ऐसे लगा पता नहीं कौन सी गाड़ी, जब देखा लोगो तब पता लगा ये बलिनो है, नहीं तो पहले ये मॉडल आता था बलिनो का। तपती गर्मी में इतना बुरा हाल है कि मेरे पैर के बाल जल चुके, और इतना प्यारा लग रहा ना ये तिरंगा सामने, आप देख सकते हो क्या बात है। और जाम के अंदर बुरा हाल है। ओ अंकल जी आराम से, क्लोज कॉल। ओहो इधर से भी मजा तब आता है जब ऊपर मेट्रो का ब्रिज हो, जब नीचे से निकलते आवाज गूंजती है ना तब ज्यादा मजा आता है। चलो तू और इधर ले ले शरीफ आदमी, अगर जाम लग रहा है बसों का, बहुत है बुरा हाल है भाई, बहुत है बुरा हाल। अरे डबल डबल लाइन लगा रखा है बे। One hour later. तो गाइस अभी फिलहाल मैं निकल गया हूँ सिस्टर के घर से और सीधा निकला हूँ आश्रम की तरफ। यहाँ से रास्ता बता रहा है करीबन 57 मिनट का। थोड़ा सा चलो फिर रेड लाइट आ जाती है, इस रोड पे रेड लाइटें बहुत है। मैंने कैमरा ऑन किया था कि ग्रीन हो गई, जब तक ऑन हुआ रेड लाइट आ गई। स्कूटी वाले पाजी वांट्स टू राइड विद मी, बताओ कंपैरिजन भी किससे, सुपर बाइक वर्सेस स्कूटी एक्टिवा, बताओ पाजी टक्कर पूरी डेंडे है। देख जीत गए पाजी, जीत गए। चलो जी चलो। ओहो की है पास पे, बीच सड़क में रोकी हुई है। आगे पाजी आ जाओ आ जाओ। पाजी निकल गए जमुना पार। यार ये गाड़ी मैंने पहली बार देखी है, शेवले की है, नाम है इसका ट्रायल ब्लेजर LTZ। है तो काफी पुराना मॉडल लेकिन मैंने आज पहली बार देखा है। आश्रम आने वाला है, थोड़ी दूरी पे रह गया। 2000 years later. So guys, I am free now and back to pavilion. अभी निकल रहा हूँ यहाँ से और घर की तरफ वापसी है। बात तो हुई है, देखो क्या डिसीजन होता है। आप लीजिए सर, मैं ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गए। तो भाई साहब पैसा देने के लिए रुके थे, पैसा लेने वाले पता नहीं कहाँ गायब थे। अंकल चलो ओहो क्या फर्राटे मार रही है। ओए ओए और तेरी बहन को, बच गया बेटे बच गया, आत्मा अभी परमात्मा में लीन हो जाती। पानी पी ले। गर्मी होती है बहुत ज्यादा, प्यास लग रही थी और भाई पानी बॉटल लिया चैन चिकन। आगे वाला बंद क्यों है आज, बोल कुछ काम चल रहा है वहां पे। A few moments later. लेफ्ट। अभी टाइम हो गया है 4:54। दरअसल सीन कुछ ऐसा था, मैंने कुछ अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, बेसिकली मैंने बैंक को दी हुई थी रेंट पे, और अभी फिलहाल बैंक जो है वो मर्ज हो रहे हैं अभी, तो यही सोचा कि भाई शो मस्ट गो ऑन, जो होगा देखा जाएगा। कि मैं जोनल ऑफिस गया था, ZM साहब से बात हुई, 1-2 महीने का देखते क्या हो सकता है, ईश्वर ने कुछ और बढ़िया सोचा हो इसलिए बैंक खाली हो रहा हो। तो जितना ग्रेस पीरियड मिलेगा उस दौरान हम ढूंढेंगे किसी और बैंक को, बैंक को ही देना है, बिकॉज जब स्ट्रांग रूम बनता है ना तो उसमें काफी सारा पैसा लगता है, काफी सारा लोहा लगता है, इस वजह से मैं स्ट्रांग रूम तोड़ना नहीं चाहता और बैंक को ही आगे प्रोसीजर है देने का। अभी फिलहाल का सीन ये है कि नीचे गई है गुंजन चाय बनाने के लिए, 5 बज रहे हैं भाई, चाय का टाइम है, और आज काफी बाइक राइड की। पहले गया आदर्श नगर सिस्टर के घर, वहां पे कुछ काम था, उसके बाद गया जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस मतलब आदर्श नगर एक कोने में, जोनल ऑफिस आश्रम एक कोने में है, और मेरे पीछे देखो ये युवराज छुप रहा है। ओए ओ ओ रहा ओ रहा ओ रहा ओ रहा आ गया, छुप क्यों रहा है। चाय आ गई है, मैं आपको बता रहा हूँ, चाय पीते हैं। पार्क चल लेना, जिसको इश्क करते हैं कल उसका बर्थडे है। ठीक है कल चलेंगे। कल कहाँ चलेंगे? पार्टी में। 2 hours later.
फाइनली तरबूज पार्टी हो चुकी है, रख के आते पहले प्लेट। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 8:33 और स्टोरी भी डालूंगा, वो कहाँ मिलेगी आपको इंस्टाग्राम पर जाके जरूर फॉलो कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। डीसी पंजाबी राइडर के नाम से आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी टाइम है बाइक अंदर खड़ी करने का, तो चलते हैं फटाफट बाइक अंदर खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद आज का लास्ट काम करेंगे पपीज को रोटी डालने का और ताले भी लगा देंगे। यार सेकंड लास्ट कह रहे हैं, चल कोई बात नहीं, उसके बाद ताले तो नेसेसरी है ना। क्या हाल है? एक दो तीन चार, अरे पांचवा कहाँ है? चलो पांचवा भी पता नहीं कहाँ है। चलो हटो हटो मलीना, हट बेटे हट हट, मेरे को बाइक अंदर खड़ी करनी है बेटे, हट चलो हटो। हाँ डॉगीज का फूड, ठीक है, इसमें थोड़ा दूध डालते डॉगीज को डालते फिर। टाइम हो गया है 9:51 और मैं आ चुका हूँ अभी ऊपर। हालांकि ताले तो मैंने 9 बजे लगा दिए थे घर के सारे, बाकी में बैंक ने ना धोखा दे दिया यार। चलो क्या कर सकते हैं, जिसका जितना दाना पानी जहाँ जब तक लिखा होता है तब तक ही होता है। तो आज का दिन गाइस बीत गया है, यही ब्लॉग था आज का। तो गाइस इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक, प्यार से कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और मेरी इंस्टाग्राम आईडी या नीचे भी आ रही होगी लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जाके जरूर फॉलो कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं आपको किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय बाय।